नमस्कार, नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पैरोल पर जेल से रिहा होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह बाढ़ पहुंचे। सुबह सुबह अनंत सिंह के स्वागत के लिए उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। अनंत सिंह का बाढ़ के एनएस कॉलेज मोड़ पर भव्य स्वागत हुआ। सैकड़ों समर्थक गाजे बाजे के साथ अस्पताल चौक पर सुबह से ही इंतजार में खड़े थे। पूर्व विधायक पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब जेल से बाहर अनंत सिंह निकले हैं, उनके समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जेल से बाहर निकलने के बाद जेसीबी के जरिए फूल मालाओं से स्वागत अनंत सिंह का हुआ है। तो ये तस्वीर है जहां अनंत सिंह के स्वागत की तस्वीर। बाढ़ के एनएस कॉलेज मोड़ पर भव्य स्वागत किया गया। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सैकड़ों समर्थक गाजे बाजे के साथ मौजूद रहे और अस्पताल चौक पर सुबह से ही इंतजार में वो खड़े थे। तो जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह सीधे अपने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनंत सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का रोड शो चल रहा है। तस्वीरों में देखिए विधायक जी, विधायक जी बहुत दिन के बाद जेल से बाहर निकले। कैसा लग रहा? जनता जरी घूर कर मिल रहे हैं जी। खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला अब आपको। हाँ हाँ, बीमार भी हैं अभी आप? हाँ, बीमार हैं। जनता से मिलजुल के फिर बंटवारा करना है गाँव में जी। तो पूर्व विधायक अनंत सिंह उन्होंने कहा कि जनता से मिलने चले हैं और उसके बाद गाँव में बंटवारा करना। और देखिए गाड़ियों का जो काफिला है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह का ये काफिला है। पटना बेउर जेल से जैसे ही वो निकले हैं जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की और कहा कि खुली हवा में वो सांस ले रहे हैं। उनके समर्थक भी लगातार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए गाड़ियों का काफिला हम दिखा रहे हैं, उनके समर्थक जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जगह जगह पर जब वो पटना के बेउर जेल से निकले हैं जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ है। उनके समर्थक लगातार हाथ हिला रहे हैं। देखिए उनके जो समर्थक हैं अनंत सिंह जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रहे हैं। और गाड़ियां जो हैं एक दो नहीं है, सैकड़ों से अधिक गाड़ियां हैं और लगातार उनके समर्थक इस वक्त देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला पूर्व विधायक अनंत सिंह का। और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत भी की। क्षेत्र में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके चाहने वाले सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम शहजादे हैं तो पीएम मोदी पीड़ जाते हैं। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। तो देखिए पीएम मोदी ने कल दरभंगा के राज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए तेजस्वी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जैसे एक शहजादा है वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। कि लोकसभा उम्मीदवार ललन सिंह इन दिनों गांव गांव घूमकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में वो सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ललन सिंह ने यहां तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। खतरे की बात वो कर रहे हैं,
कौन सा संविधान खतरा में? देश का संविधान कोई बदल रहा है क्या? और देश का कोई संविधान बदल सकता है क्या? हाँ, वो जिस संविधान की बात कर रहे हैं कि सीबीआई ईडी उनके यहां छापा मार रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, तो उस संविधान की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी संवैधानिक स्वतंत्र इकाई है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही अलग रंग चिराग पासवान का देखने को मिला जब वो बीती रात हाजीपुर में लालगंज प्रखंड के दौरे के दौरान अचानक एक चाय की दुकान पर रुक गए। चिराग सिंहा ने यहाँ न सिर्फ चाय पी बल्कि स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चुनावी चर्चा भी की। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए चाय की चुस्की लेते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। हाजीपुर का यह इलाका जहाँ से प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये एक खास अंदाज जो है वो चिराग पासवान का नजर आया है जब लोगों के बीच, जनता के बीच चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। और देखिए चाय की दुकान, चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा भी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए आरजेडी को मिले चंदे पर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी ने आरजेडी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि आरजेडी को मिले चंदे का 60% हिस्सा सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनियों ने दिया है और वो सभी कंपनियां पश्चिम बंगाल की हैं। राजद और शराब, बिहार में जो अवैध शराब बिक रहा है इसका राजद से सीधा कनेक्शन है। इसका मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि जितनी शराब बेचने वाली कंपनियां हैं, राजद को कुल 74 करोड़ का लगभग इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा मिला है। इसमें 63% इनको सिर्फ शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों से मिला है, तभी तो बिहार में इतनी मात्रा में अवैध शराब बिक रही है। मैं अभी आपको पूरा लिस्ट दूंगा, नॉर्थ इन स्प्री प्राइवेट लिमिटेड, कैसल लिकस प्राइवेट लिमिटेड, हेराल्ड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, मोनालिसा बोटलिंग इंडस्ट्रीज, IBF एग्रो, सबसे इन्होंने पैसा लिया है और कई एक ऐसी कंपनी से पैसा लिया है जो कंपनी की डायरेक्ट टैक्स में अपने आप को घाटे में दिखा रही है, लेकिन उनसे भी इन्होंने पैसा लिया है। और सभी कंपनियों का कनेक्शन वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल और तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन है इनको ये भी बताना चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए शराब कंपनियों के आरजेडी को मिले चंदे पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदे का हिसाब दे, फिर कोई सवाल करे। बीजेपी को तो शराब के नाम से ही नशा चढ़ जाता है। अब बिहार में पूरी तरह से जनता नकार रही है, खदेड़ रही है, तब ये सब लेकर के आ रहे हैं, इसे कोई फायदा होना है? पहले अपना ना हिसाब दे कि हजारों हजार करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में किससे किससे चंदा लिया, जो जो छापेमारी जहां जहां करवाया उससे चंदा लिया, तो ये क्या दूसरे पर आरोप लगाएंगे? हमारा तो राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, ये लड़ाई धन बल और जन बल के बीच है। हमारे पास जन बल है, धन बल वाले चंदा लेने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई है। सबसे अधिक चंदा भी उन्हें मिला है, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक भी, और ये कई आधार पे मिला है। एक चंदा दो धंधा लो, यानी आप चंदा दीजिए, ऐसी एक 179 कॉन्ट्रैक्ट जो है दिए गए हैं 38 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को। आप समझ लीजिए एक कॉर्पोरेट ग्रुप में कई कंपनियां हो सकती हैं, 38 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को ये दिया गया है। काम किसका काम दिया गया है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल को चंदा मिला है, वह एक ही राज्य के शराब कंपनियों के माध्यम से मिला है, वह वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जिस कंपनी ने राष्ट्रीय जनता दल को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो धन उपलब्ध कराया है, वह अपने आय से ज्यादा चंदा के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को धन दे रहा है। तो ऐसा माना जाए या ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में शराब कंपनियों के 60-गांठ से चंदा लेने का एक अभियान चला रही थी और उस चंदे के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल धन उगाही करने का काम कर रहा था। राजद का मुखौटा दर प्रतिदर उखड़ता जा रहा है। कल तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे शोर मचाने वाले खुद शराब कंपनियों से
70-80% पैसा लेते हैं और वो भी बंगाल की कंपनी से। हम तो शुरू से जानते हैं और कहते भी रहे हैं कि बिहार में शराब माफियाओं का संरक्षण राजद ही देता है और इसकी तस्दीक भी हो गई है। तो अब जनता को निर्णय लेना है कि 4 जून को इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है, ये राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले सरकार में ये आवाज उठाते थे कि बिहार में जो अवैध दारू का जो कारोबार है वो सरकार के सहमति से हो रहा है, आज तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ये बताएं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो इन्होंने चंदा लिया है वो चंदा किसका है। ये साफ बताया गया है डॉक्यूमेंट्स में, जो सारे जो है दारू कारोबारी हैं और पश्चिम बंगाल के सारे दारू कारोबारी हैं, उस सारे दारू कारोबारी से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा लिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों काराकाट में अपने लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो औरंगाबाद के देवकुंड पहुंचे, जहां उन्होंने दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और खुद की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान पवन सिंह को देखने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। पवन सिंह ने पूजा पाठ के बाद एक रोड शो भी किया, जिसमें उन्होंने कई गाँव का दौरा किया और ग्रामीणों से अपने लिए वोट मांगा। बिहार में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जीविका दीदी ने अनोखा तरीका निकाला है। जीविका दीदी हाथों में मेहंदी लगाकर और रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी को लेकर जीविका दीदियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सतीश कुमार ने। तीसरे चरण का मतदान दरअसल 7 मई को है, जिसके लिए जीविका द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत को लगातार बढ़ाया जाए। क्योंकि बीते जो 2 चरण का मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और बड़े अनोखे तरीके से जीविका द्वारा, ये आप देखिए कि हाथ में इन्होंने मेहंदी लगा रखी है और लिखा हुआ है अररिया वोट मेरा अधिकार। तो लोगों से अपील की जा रही है, मेहंदी हाथ में रचाई गई है, रंगोली भी किए हम लोग। जीविका में ये कर रहे हैं कि सभी दीदी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग इस बार करें। सर हम लोग घर घर जाके अपना अगल बगल में कहते हैं समूह की दीदी सबको कि 7 तारीख को सुबह जा करके वोट देना है 7 बजे, ताकि सब मिलके एक जगह हो जाए। तो मेरा वोट मेरा अधिकार, हम लोग अपना वोट गिराएंगे और मेरा अधिकार है वोट गिराने का, और जागरूक भी करेंगे अपना दीदी को केंद्र पर ले जाने के लिए, कि जो भी दीदी पहले जितना वोट नहीं प्रतिशत पूरा था, इस बार हम लोग ये करते हैं कि सब दीदी वोट गिराने जाएगा और 5% ज्यादा जो घटा था वो बढ़ाने का हम लोग का ये है कि हम लोग बढ़ाएंगे। 5% जो बीते 2 चरण में घटा था वो बढ़ाने का है। हाँ, बढ़ाना है। तो कैसे आप लोग बढ़ा रही है बताइए? सब दीदी को जगा रहे हैं जब समूह का, और भीओ में जा करके घर घर जा करके दीदी को जागरूक करते हैं कि दीदी आपका वोट बहुत कीमती है। मेहंदी हाथ में मेहंदी रचकर तो कोई बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर निकला हुआ है, ताकि अररिया में जो 7 मई को मतदान होना है उस मतदान में वोट परसेंटेज जो है अररिया का और भी बढ़ सके। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने मंच से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने परिवार में ही आरक्षण दिया है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्रिकेट में सफल नहीं हुए तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, दूसरे बेटे तेज प्रताप को मंत्री बना दिया। सम्राट ने कहा कि जब बड़ी बेटी जब लोकसभा चुनाव हार गई तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, और अब सारण में टूरिस्ट बेटी आई है। सम्राट ने कहा कि जब बिहार में जंगल राज हुआ तो पूरे बिहार के लोगों का पलायन हुआ, अब नीतीश और मोदी के सुशासन की सरकार आई तो सिंगापुर पलायन करने वाली उनकी बेटी और बाल बच्चे भी चुनाव लड़ने बिहार आ रहे हैं। टूरिस्ट बेटी आई, जब बिहार में जंगल राज हो गया था साथियों, तो लालू जी के पूरे बिहार के लोग को पलायन किए ही, लालू जी का परिवार भी बिहार पलायन कर गया था,
आज मोदी और नीतीश ने सुशासन स्थापित किया है, अब उनके बाल बच्चे भी बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, यही है सुशासन। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।